इंजन के साउंड को भी बेहतर बनाना है और इसके साथ ही बाइक की जो वाइट स्मोक प्रॉब्लम है उसे भी दूर करना है, इंजन से जो ऑयल कम हो रहा है उसे भी खत्म करना है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आप लोग इंजन का काम कराते हैं तो इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट बदलना चाहिए जो कि इंजन के साउंड भी बेहतर हो और उसके साथ ही पिकअप भी हमें अच्छी मिल जाए और बाइक वाइट स्मोक भी ना दे और काफ़ी दिनों तक हमारी बाइक चलती रहे, जल्दी से धुआं ना दे, इंजन बिल्कुल सक्सेस हो जाए। तो देखिए ये हीरो की स्प्लेंडर प्लस ये BS4 मॉडल में है और इस बाइक का मैंने जो भी चीज़ खोला इंजन से मैंने पहली बार खोला है, ना तो इसका पहले क्लच प्लेट चेंज किया गया था, ना ही टाइमिंग चेंज, ना ही इंजन खुला था, इसमें कोई भी पार्ट कोई भी एसेसरीज नहीं लगा था इंजन में। मैंने पहली बार इसका इंजन खोला और वो भी कस्टमर मेरे वीडियो को देख कर ही यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं जो इस बाइक में सामान डाल रहा हूँ वो गाइज सभी ओरिजिनल जेन्युइन डाल रहा हूँ। सबसे पहली तो गाइज ये है कि इसका क्लच प्लेट, ये देखिए ये क्लच प्लेट FCI कह के जो आता है, FCI हीरो की जेन्युइन ये क्लच प्लेट है, ये ओरिजिनल क्लच प्लेट इसमें डाल रहे हैं। मैंने ओरिजिनल ही क्लच प्लेट इसे खोला था और इसके साथ ही मैं अच्छे साउंड के लिए मैं इसमें एक GBD पिनियन लगा रहा हूँ। ये देखिए गियर प्राइमर ड्राइव बोलते हैं, इसका साउंड कैसे आता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, गियर में लगा रहे हैं और जा रहे हैं तो इससे क्या होता है हूँ जैसे आवाज़ आता है, तो इसके द्वारा वो आवाज़ ख़त्म हो जाता है। अब क्लच प्लेट तो जाहिर सी बात है जब पिकअप की कमजोरी आती है, हमारी बाइक स्पीड नहीं बनती है, झटके नहीं मिल लेती, जैसे फ़ौरन हम उठाना चाहे नहीं उठता या फिर स्पीड नहीं बन रहा अच्छे से, तो इसके लिए हम क्लच प्लेट को चेंज करते हैं। अब क्लच प्लेट जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमें सेंटर हब को भी चेक करना होता है, इसके साथ जो पार्ट लगता है प्रेशर प्लेट जो लगता है ये सब चेक करना होता है, लेकिन ये सारे पार्ट सही है। और मैं ये देख रहा हूँ गाइस ये पहली बार इंजन खुला मेरे पास BS4 मॉडल है जो कि अभी तक क्लच प्लेट भी चेंज नहीं हुआ, टाइमिंग चेन भी चेंज नहीं हुआ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि इंजन बहुत ही बेहतर कंडीशन में है और इतने बेहतर कंडीशन में होने का कारण एक ही होता है इंजन ऑयल। अगर आप लोग इंजन ऑयल सही टाइम पर बदलेंगे, सही इंजन ऑयल यूज करेंगे अपनी बाइक के अनुसार, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी बाइक काफ़ी दिनों तक चलेगी, इंजन झरझर आवाज़ नहीं करेगी, ना ही पिकअप में कमी आएगी, ना ही वाइट स्मोक की समस्या जल्दी से बनने वाली है। ये कस्टमर काफ़ी ज़्यादा इंजन ऑयल पर ध्यान देते थे, इसका कहना है कि सर मैं अपनी बाइक की इंजन ऑयल मात्र 1500 से 1700 किलोमीटर में बदल देता हूँ। वैसे तो 1500-1700 में बदलना जरूरी, मैं तो आप लोग कहूँगा कि 2000 किलोमीटर पे आप लोग इंजन ऑयल चेंज कराते रहें, जबकि इंजन सक्सेस रहेगी, इंजन की लाइफ बनी रहेगी और साउंड वगैरह हर चीज़ बनी रहेगी। तो देखिए इंजन में जो हम काम कर रहे हैं क्लच प्लेट तो पिकअप के लिए हो गया, पिकअप बढ़ाना है, इसके द्वारा हम GPD जो चेंज कर रहे हैं इसके द्वारा हम इंजन के साउंड को बेहतर बनाते हैं, गियर प्राइमर ड्राइव है। अब दूसरा का ये है कि देखिए टाइमिंग चेन, इसका टाइमिंग चेन यहाँ पे हम पूरा किट डाल रहे हैं और पूरा किट डालने का कारण ये है कि यहाँ पे इस बाइक में क्या होता है कि ये वाला जो ऑयल पंप गरारी देख रहे हैं, ये ऑयल पंप का जो स्पॉकेट होता है ये ज़्यादातर कट जाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर में क्या करता हूँ कि जब भी फुल इंजन ओपन करता हूँ तो इसमें ओरिजिनल टाइमिंग चेन पूरा किट डालता हूँ, असेंबल डालता हूँ, जो कि टाइमिंग चेन की पूरा फिनिशिंग हो सके बराबर तरीके से। अब देखिए वाइट स्मोक की अगर बात करें तो वाइट स्मोक के लिए गाइस यहाँ पे ये काम करता है, इसके अंदर जो रिंग लगता है, देखो इसके अंदर जो रिंग लगता है चूड़ियाँ लगती है वो ख़राब हो जाता है, वो कट जाता है, जो कि वाइट स्मोक छोड़ने लगती है, इंजन से ऑयल घटने लगता है। और इसी काम के लिए हम लोग हेड सिलेंडर ओपन करते हैं, तो यहाँ पर मैंने हेड सिलेंडर ओपन किया। अब पहली बार मैंने खोला तो मैंने सोचा कि यार इसको मैं बोर ही करा दूँ क्योंकि बाइक अब तो चल चुकी है, जितना भी चलना हो, जब बोर कराते हैं तो ये बोर करने के बाद क्या होता है कि काफ़ी दिनों तक चल जाता है। आपकी मर्ज़ी, आप सिलेंडर ब्लॉक भी नया डलवा सकते हैं डायरेक्ट, वो भी चलता है, बोर भी करा सकते हैं, बोर भी चलता है, ठीक है। तो मैंने 25 नंबर का पिस्टन दिया इसमें गोज का, और देखिए गोज का 25 नंबर का पिस्टन है ये, GN5 मॉडल का मैंने दिया है, KCC नहीं दिया, इसमें KCC का पिस्टन लग के आता है लेकिन मैंने GN5 का दिया है। GN5 का पिस्टन मॉडल में ये होता है कि जब ये धुआं भी मारता है तो ये आवाज़ नहीं करता पिस्टन, और KCC वाला पिस्टन बगैर धुआं मारे पिस्टन आवाज़ करने लगता है। इसके साथ ही देखिए मैं हेड का भी काम करता हूँ, यहाँ पे हेड में दोनों बल्ब को नया डाला, दोनों बल्ब मैंने नया डाला, वाल सील नया डाला, इसके साथ ही एक गाइड ख़राब था मैंने गाइड भी नया डाला। अब देखिए गाइस जब भी काम कराना हो मैकेनिक के अनुसार काम कराइए, मैं तो ये कहूँगा मैकेनिक अगर कहते हैं क्लच प्लेट ख़राब है, टाइमिंग चेन ख़राब है तो आप बदलवाएं। अब जैसे मैंने इनसे कहा कि हाफ इंजन का ही काम कराओ, तो हाफ इंजन में मैंने ये देखा कि इसका करेंक बिल्कुल सही है, इसी वजह से मुझे फुल इंजन खोलना नहीं पड़ा। अब करेंक सही है या नहीं इसकी भी पता हम लगा सकते हैं, देखिए जैसे कि ये देखो ये कनेक्टिंग, देखिए ये कनेक्टिंग बहुत ही बारीक सा प्ले है, एक बाल बराबर समझो,
इसके साथ ही हम इसको चेक करना चाहिए, इस तरीके से ठोकेंगे ऐसे करके तो पता चल जाएगा, आवाज नहीं करना चाहिए। करेंक बिल्कुल सही है, मैन बेयरिंग भी सही है, बस दोनों जो टाइमिंग चेन का पल्ला होता है, टाइमिंग चेन का पूरा किट, क्लच प्लेट की साइड का पार्ट हम चेंज कर रहे हैं और हेयर सेना का काम कर रहे हैं। इस तरीके से इस बाइक की वाइट स्मोक जो इंजन से वाल कम हो रहा है वो खत्म हो जाएगा, वाइट स्मोक मारना दूर हो जाएगा। इसके साथ ही बाइक पिकअप भी अच्छी मिलेगी और इंजन की साउंड भी बेहतर बन जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही अगर काम कराना चाहते हैं आप भी, तो सबसे पहले तो आप हमारे साथ चैनल पे जुड़े रहिए, यूट्यूब चैनल से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, मेरा हमेशा वीडियो अपलोड होता रहता है रिपेयरिंग से रिलेटेड। अगर आप हमारी वीडियो को बराबर देखते रहेंगे तो हमारे नॉलेज के बारे में आपको पता चलेगा कि कासिम भाई कितने काम जानते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो हमारे अगर वीडियो देखते रहें तो हर चीज़ जानकारी मिलती रहेगी। इस तरीके से ये भी कस्टमर लोगाए से आए हुए, महागामा लोग आए हैं और वहाँ से हमारी वीडियो को बराबर देखते हैं, इसलिए मेरे पास विश्वास करके आए। अभी देखिए कस्टमर है भी नहीं, सुबह का टाइम है और मैं इसको फिटिंग कर रहा हूँ, 4:00 टाइम गलत हो गया मेरा, अरे 9:02 9:10 हो रहा है अभी, सुबह का टाइम है और कल ही मैंने इस बाइक को खोला था। कस्टमर जब आएंगे तो बाइक को लेकर चले जाएंगे, वो ये भी नहीं पूछेंगे सर आपने क्या क्या डाला, मैंने उनसे बता दिया कि ये सब पार्ट में डालूंगा जो कि सामने आप लोगों का। अब यही वीडियो अगर वो देखना चाहे तो वो देख सकते हैं कल की, मतलब कासिम मैंने मेरे बाइक में क्या काम किया था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा फेसबुक इंस्टाग्राम, फेसबुक मतलब व्हाट्सएप वगैरह पर शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों के बारे में, और भी लोगों को हमारे बारे में जानकारी हो सके। थैंक यू। देखिए वो सारे पार्ट लगाने के बाद इंजन की साउंड बहुत ही मस्त आई है, ये हमारे कस्टमर भाई। कैसा लगा काम करा के? नहीं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना, गाड़ी का साउंड जो है काफ़ी अच्छी आ रही है अभी। चलिए ज़्यादा सवाल नहीं करते हैं कस्टमर से, थोड़ा शर्माते हैं। ठीक।